ये भोजन देवन मनोकामना बाबा के प्रिय भोजन देवन मनोकामना बाबा के ये भोजन देवन मैया पार्वती ये भोजन देवन मैया पार्वती मैया पार्वती के आरती उतारू सचिया आरती दोस्तों, मनोकामना घाट से हूँ और आज जो है सो सावन का अंतिम, कल तो सावन का लास्ट है, इसीलिए सावन से पहले जो हम लोग का प्रत्येक रविवार सावन में जितना भी रविवार पड़ता है उस रविवार में हमारे समिति के तरफ से कमला आरती का जो है सो आयोजन होता है और उस आयोजन का आज आखिरी है ये सावन में। फिर हम लोग अगले साल ही इस सावन के कमला आरती को आपके सामने लाएंगे और आप देखिए आज हमारे जितने भी सदस्य हैं लगभग सभी लोग आएंगे। अभी उनके आने में थोड़ा समय है, कहे तो 7 बजे से हम लोग का निर्धारित समय है आरती का, इसलिए अभी तक जो नहीं आए हैं आ रहे होंगे। तो साथियों, भगवान भोलेनाथ आप सभी को अपना दया कृपा देते रहें और अब जो है सो हम अपने सदस्य भी आप लोगों को परिचय करवाएंगे और आज जो है हम लोगों को सभी सदस्य को इसलिए रहना जरूरी है जो कल रक्षाबंधन है, सब जो है रक्षाबंधन के शुभ उपलक्ष्य में जाएंगे राखी बनवाने के लिए। तो आज ही जितना है यहाँ का सेवा समिति का आय व्यय उसको हम लोग सभी जितने भी संस्था के सेवक हैं बम का वो सब भी बैठ के आज हम लोग सभी का हिसाब किताब क्लियर कर देंगे ताकि सेवा दल पर कोई आक्षेप ना हो। चलिए आगे आपको। तो दोस्तों, अभी देखिए, एक तो हम लोग के सेवा दल में बहुत कम आदमी हैं और जो भी सेवा दल में आदमी थे सब अपने अपने सर्विस में लग चुके हैं और अब देख रहे हैं सभी बैठे हुए हैं और आज आप भोलेनाथ के लिए सावन के अंतिम सोमवारी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही सावन के इस पावन महीना में आप सभी गेस्ट से निवेदन है जो आप कम से कम भोलेनाथ को जहां भी हैं वहां से अपने मन में जरूर श्रद्धा रखें
बाबा के पूजा पाठ में ध्यान दें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आता रहे। और दोस्तों, ये जो है ये घाट जो है वो पहले मनोकामना घाट के नाम से प्रसिद्ध नहीं था। इसमें ऐसा हुआ कि 2007 से ही इस घाट का स्थापना हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये आप केला देख रहे हैं, पहले वहाँ कमला नदी जो है सो पूरा कटाव हो रहा था और उसी कटाव के दरमियान में गांव पर पूरा खतरा आ चुका था, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ बाबा का स्थापना किया। अभी भी आप देखते होंगे जो शिवलिंग जो है मेरे यहाँ, सो सिर्फ मिट्टी का ही शिवलिंग है। जैसे रामेश्वर में रामचंद्र जी सिर्फ रेत का जो है शिवलिंग बनाए थे, उसी प्रकार हम लोग के यहाँ मिट्टी का ही शिवलिंग है। और मेरे पिछले में वीडियो में भी आप देखे होंगे, जो बताऊँ आपको, जो घंटी अपने आप मंदिर में हिला हुआ था, उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग जो हैं सो फिर बाबा के सेवा में, कहे तो हम लोग सेवा में रहते हैं और कांवर में, कांवर जो उठता है, कांवरिया जो चलता है, हम लोग उसी के सेवा के लिए यहाँ अपना समय देते हैं। तो अब जो है सो सावन अंतिम चरण में है, यानी सावन लास्ट हो रहा है, तो फिर हम लोग जो है सो अगर भोले बाबा ने चाहा तो फिर अगले साल ही फिर आपके सामने में नया वीडियो लेके आएंगे। इसीलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं अब 7 बजे से जो आरती होगा, जो आज सावन का अंतिम आरती होगा, उसको भी आप देखिएगा। दोस्तों ये जो घंटी आप देख रहे हैं, यही सोमवार के रोज यानी तीसरे सोमवार को जो है सो अपने आप हिल रहा था श्रृंगार पूजा के बाद। और हम लोग जो हैं सो ऑफिस में बैठे हुए थे, और ऑफिस में बैठने के बाद हम लोग, आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, श्रृंगार के बाद बाबा का करामात उस माने है वीडियो, उसमें आप जरूर देखिएगा कि घंटी कैसे डोल रहा है। न उस दिन हवा था न कुछ, फिर भी बाबा का महिमा इस घंटी पर था। जो यहाँ के ही एक संतोष नाम के लड़का है, वो आके घंटी को पकड़ लिया तब घंटी रुक गया, नहीं तो आप वीडियो में देखेंगे कि भूकंप का हल्ला हो रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई एक घंटी हिल रहा है और घंटी नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों, गैस या बाबा का ही महिमा था, और बाबा के महिमा को आप नहीं अगर देखे हैं तो आप वीडियो ज़रूर मेरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाबा के नाम पर एक भोलेनाथ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं हम लोगों का जो है सो मंदिर में आरती का जो है सो कमला आरती का पूरा जो है सो हो चुका है, और अब जो है सो 7 बजे से कमला आरती होगा। आज कुछ लेट भी हो सकता है, इसीलिए कि आज अंतिम है, तो जितने भी भक्त आते हैं उसका भी इंतजार किया जाएगा। तो बहुत आदमी के भीड़ लगे, आज सुने हम पूरा बिहार में 3 जगह लग रहे, बाबा धाम और कपिलेश्वर अपना ओठा लाइन के भी। हाँ, तो ध्यान देवे जो मंदिर आरती मारे जाएगा, आरती के पहले भी हम सुबह देखा सब देखे जे आरती के प्रक्रिया शुरू भ गए है, अखन धूप से भोले बाबा के स्नान कराओ मिले। Ya,
कुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न दूर करुण मंगे सर्व काज गणपति मैया पार्वती मिल के आरती प्रथम आरती गणपति बापा के भूतला भोले मैया पार्वती कबीर के आरती तारुला वसुदेव गणपति बापा भोले वसुदेव मैया पार्वती कबीर के आरती तारुला गणपति बापा के सागम मंदिर बोले दानी के लालच बोली मैया पार्वती सब मिलके आरती कारुणा प्रथम आरती बापा के गणपति बापा के फूल दे बन भोले।